आपका मेरे शो में स्वागत है। मिस मंजूसी प्रेमिका ऑफ द मैजिकल क्लास। और आज के एपिसोड में मैं बताने जा रही हूँ क्रिएशन प्रोसेस हम कर रहे हैं अगेन। और क्या कर रहे हैं? लैक टू बर्निंग्स। कैसे? जैसे लीची है, लीची खाई और उसका हम छिलका फेंक देते हैं, आई मीन बीज फेंक देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ फेंकने के हम इससे पौधा उगा लेंगे और पौधे से हम बहुत सारी लीची मिल सकती हैं। सो हाई एवरीबडी, वेलकम यू ऑल इन क्रिएशन प्रोसेस। और आज के क्रिएशन प्रोसेस में आई नीड टू स्पीक राइट नाउ इन इंग्लिश। ओके, इन टुडेज़ क्रिएशन प्रोसेस आई एम गोना क्रिएट लीची प्लांट फ्रॉम लीची सीड एंड इट कम्स अंडर लैक टू बर्निंग्स प्रोसेस। सो लेट्स क्रिएट। So generally what I do is, in this container we generally I get it from cake packets or from something, from cookies and all that. So instead of throwing it, I use it for, you know, growing seeds, I bring plants out of seeds. I use these trays. ये जो ट्रे हैं ये बिस्किट और कुकीज़ की मिलती है मुझे, उसके अंदर से कभी कभार जब भी मैंने यूज़ किया होगा तो उसको फेंकने के बजाय मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, बहुत सारे काम पे यूज़ करती हूँ। उनमें से एक ये है कि इसमें मैं जो कोई भी बीज होता है उसको प्लांट को उगाने में मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो लेट्स डू इट। ओके, तो क्या करना है, सारे के सारे जो इसके लीची के बीज हैं वो इसमें डाल दीजिए आप। बहुत ईजी प्रोसेस है, 2 मिनट का काम। What we have to do is, we have to put all the seeds of lychee inside this, just like that. Okay, that's it. So any kind of container you can take it, not only this but any kind of container. And pour some water inside this and keep on changing it on 1 to 2 days basis. Basically, you know, we have to keep it soaked inside the water and keep on doing this till the time you get small sprouts like this. And pause it also in case if you're going to keep it like this, these seeds in the tray like this, so you will get to see a plant on its own in just a span of few days. ठीक है, तो हमें करना क्या है कि ये जो सारे seeds हैं इसको हमें यहाँ पे डालकर इसमें मैं ऐसे पानी डाल दिया है थोड़ा सा, और 2-3 दिन के अंदर मैं आप पानी चेंज कर सकते हो। फिर क्या होगा, कुछ टाइम तक ऐसा स्प्राउट आ जाएगा अपने आप से लीची की उससे, और अगर हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे तो उससे पौधा भी उग जाएगा। दिस प्रोसेस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड एंड इट इज सक्सेसफुल एंड हैव गॉट हर लॉट ऑफ लीचीज प्लांट्स विद मी। आई एम गोना शो यू राइट नाउ। ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, ये मैं अभी आपके सामने ट्राई नहीं कर रही हूँ, मैं पहले इसको कर चुकी हूँ और बड़े सारे पौधे उग गए हैं तो मुझे लगा ये मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि कितने सारे होते हैं जो मैं प्रोसेस एक्सप्लोर करती हूँ इसी इसी टाइम में और देखती हूँ कि हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसको मैं कर चुकी हूँ एक्सप्लोर, बट आपके साथ मैं अभी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सो लेट मी शो यू लीचीज प्लांट्स आउट ऑफ ग्रोइंग which are growing out of lychee seeds with the help of this process only which I am showing you right now. Okay, let me show you. So see, I am very fond of lychees. So I have eaten so many lychees and out of 10 I have kept, you know, this was a container in which generally we get kiwis and all that. So I've kept all the lychees inside this and just, you know, I kept on pouring water inside this tray which I had kept in my kitchen. So whenever I go to kitchen and I do any kind of work, so I just generally keep on pouring water like this. And see, so many plants, I do have so many more plants as well. So, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जैसे जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है यही वाला प्रोसेस, इसके थ्रू देखिए मैंने इतने सारे लीची के प्लांट्स जो है वो अपने आप से आ गए, मैंने कोई हार्ड वर्क नहीं किया, कुछ भी नहीं किया,
सिर्फ इसके अंदर पानी डाल देना, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर लीची के लीची रखी और उसके अंदर पानी डाल दिया दो दो तीन तीन दिन के अंदर। मतलब मैंने कोई इतनी केयर खास की नहीं और अपने आप से हो गए। सो दैट इज़ इट। सो दिस वॉज द टुडेज क्रिएशन प्रोसेस फ्रॉम लैक्टो अबंडेंस एज हाउ वी कैन क्रिएट लीचीज ऑल ऑफ लीची सीड्स। सो दैट इज इट। I really loved it. Hope you also did. आपको भी अच्छा लगा तो आप सीख सकते हैं। सो आज के डेट में सबको इन्फिनिट लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। बाय बाय, अगले एपिसोड में मिलते हैं।